और अभी मंडावा के अंदर और एक नया वर्कशॉप ओपन किया भाई साहब ने, कार वगैरह का वर्कशॉप है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम? मुकेश कुमार। मुकेश जी कहाँ के रहने वाले हो? मंडावा के। मंडावा। हाँ जी। अभी जैसे कि आपने आज ये वर्कशॉप की लॉन्चिंग करी है, तो क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली है? जैसे कि मंडावा के अंदर मेरे हिसाब से हाई फाई जो अत्याधुनिक मशीनों से युक्त है और कोई भी वर्कशॉप नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि सीकर या जून जाना पड़ता है, तो क्या कुछ एडवांस आप लेकर आए हो यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, मंडावा की नीड के अनुसार हमने ये चीज़ शोरूम बनाया है। लव्या मोटर्स के नाम से हमारा गैराज है जो फतेहपुर बाईपास रोड पे स्थित है। हम यहाँ पे सुविधाएं जैसे कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जो भी कार्स हैं, नॉर्मल चाहे वो टोयोटा की हो, चाहे हुंडई की हो, चाहे महिंद्रा की हो, टाटा की हो, सारी गाड़ियों के डीजल और पेट्रोल से संबंधित इंजन रिपेयरिंग का काम, इंजन का भी काम है, ऑल इन वन, ऑल इन वन है, सर्विस स्टेशन है ये पूरा। उसके साथ में जितनी वाशिंग है, डिटेलिंग जोन का काम है, गाड़ियों की पीपीएफ वगैरह का काम है, ये सब भी यहाँ पर किया जाएगा। और अलाइनमेंट है, टायर जोन का काम है, यहाँ पे आपको हर प्रकार के स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। टोटल जो स्पेयर पार्ट होंगे वो जेन्युइन पार्ट होंगे, हम किसी भी प्रकार के कस्टमाइज में पार्ट्स में डील नहीं करेंगे। या अलाइनमेंट का जो हम जहाँ तक मेरे को आइडिया है, यहाँ पे आसपास में कहीं ऐसी अलाइनमेंट की सीजर लिफ्ट के साथ मशीन नहीं है, तो हमने वो सुविधा देने की कोशिश की है मंडावा में। टायर जोन के साथ में व्हील बैलेंसर है, टायर चेंजर है, आपको हर प्रकार की कंपनीज के टायर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सारी जितनी कोशिश कर सकते हैं कि एक ही मतलब रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे, और जितना एक गाड़ी के एक बार किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट्स को लेकर के उसको फुलफिल करने की हमने कोशिश की है। अभी ओपन किया तो कुछ स्कीम्स वगैरह भी दे रहे हो? अभी हमने जिसने भी जहाँ भी जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जितने भी टैक्सी स्टैंड्स हैं, जो प्रॉपर अपना एक मतलब गुजारा टैक्सी से करते हैं, उनके लिए हमने रखी हैं स्कीम्स। जैसे कि कोई भी टैक्सी हमारे से परमानेंटली जुड़ता है, टैक्सी ड्राइवर अपने व्हीकल के साथ जितना हमसे जुड़ेगा, तो हम उसको हर 3 से 4 वॉशिंग पे एक वॉशिंग फ्री देंगे। उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट, जितना वो रेगुलर कस्टमर हमारे साथ बनता चला जाएगा, उनके ऊपर डिस्काउंट का रेट बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, उसके हिसाब से जैसे पुराने हैं। अभी मशीन्स के बारे में बात करें वन बाय वन, तो कौन सी, जैसे कि आप अलाइनमेंट वाली मशीन बता रहे थे, उसमें क्या कुछ एडिशनल है जो मार्केट से डिफरेंट है? अलाइनमेंट मशीन में हमारे पास एडिशनल ये है कि हमने सीजर लिफ्ट लगाई है। मोस्टली जितने भी अलाइनमेंट काम करते हैं वो डेक पे करते हैं, वो सीजर लिफ्ट नहीं यूज़ कर पाते। जहाँ तक मेरे को आइडिया है कि अलाइनमेंट 4 टायर्स का होता है, न कि 2 टायर्स का होता है, तो जितना हम उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 99.99% है, तो इट्स मोर देन 100, इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट, 100% इसकी एक्यूरेसी जाती है। इससे जितनी भी अलाइनमेंट्स आप, जैसे कोई भी किसी भी प्रकार का व्हीकल हो, लेंथ उसकी कितनी भी हो, हम सारा उस पर अपन कर सकते हैं। ये जितनी सीजर लिफ्ट क्या करेगी, गाड़ी को जब आप उसके डेक पे लगाओगे, लिफ्ट ऊपर कर देगी उसको, उसके अंदर से फिर अंदर एक और लिफ्टिंग होती है जो टायर को फ्री करेगी। अच्छा। और फिर गाड़ी की बॉडी के वेट को अलग कर देगी, उसके बाद में उसका अलाइनमेंट करती है। तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी जाती है, जिससे अपने को टायर लेंथ भी अच्छी बनती है, टायर की उम्र बढ़ जाएगी, टायर काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, गाड़ी आप जितना उसकी केयर करोगे उतना ही आपको रिटर्न फील देती है। तो सर एक चीज़ होती है, जैसे कि वर्कशॉप के अंदर स्पेशली मैकेनिक का स्पेशल रोल होता है, तो मैकेनिक वगैरह कहाँ से आए, कितना कुछ एक्सपीरियंस है उनके पास, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। हमारे पास 3 टीम है, वॉशिंग जो टीम है, वॉशिंग डिपार्टमेंट है, वो सारा कुछ लोग बेंगलोर से हैं, कुछ लोग मेरठ यूपी से हैं, जो प्रोफेशनली पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, 5 से 10 साल सबको एक्सपीरियंस रहा है वॉशिंग का, वो सारी टीम यहाँ पे है। डीजल मैकेनिक है, वो उनकी टीम अलग है, जो अलाइनमेंट्स करेंगे, जो टायर चेंजर का काम है, उनकी टीम अलग, वो प्रॉपर प्रिसीजन कंपनी के थ्रू हमारे साथ जुड़े हैं। वो उनका इस इक्विपमेंट का उनको नॉलेज है, जैसा उनको करना है, जो उनको पता होना चाहिए, वो उनसे फेमिलियर हैं, तो वो टीम अलग है। तो हमारे पास 3 से 4 टीम है, टोटल स्टाफ अगर हम काउंट करें तो 15 से 20 मेंबर्स का स्टाफ होगा, तो बहुत ही ज़्यादा ले रखा आपने स्टाफ। हाँ जी। अभी एक जो प्रीमियम सर्विस है पीपीएफ वाली, वो मेरे हिसाब से झुंझुनू में भी नहीं है, उसके अलावा आप सीकर में ही मिलती है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें आप क्या क्या उसके अंदर करते हैं। पीपीएफ इट विल डिपेंड्स ऑन द पीपीएफ पेपर क्वालिटी, आप कैसा पेपर आप बाई करते हैं, आपकी पीपीएफ की क्वालिटी कैसी, आप कौन सी कंपनी के साथ टचअप करते हैं, जितनी पेपर की क्वालिटी है उसके बाद में हम डिपेंड करते हैं कि उसको इंस्टॉल करने वाला वर्कर कैसा है या टीम कैसी है, तो हम उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप जिस भी कंपनी का रिकमेंडेड करते हैं, कि हर बंदे की चॉइस होती है कि मैं इस कंपनी का पीपीएफ चाहता हूँ, वी कैन प्रोवाइड दैट,
हम उसको प्रोवाइड कराएंगे और उसके साथ में हमारी जो टीम है वो एक बॉन्डिंग के साथ काम करेगी, जुड़ के हम अच्छा रिजल्ट देंगे उनको। PPF के अलावा सिरेमिक कोटिंग वगैरह वो होती है, वो भी सारी सुविधा अवेलेबल है क्या? सिरेमिक कोटिंग वगैरह की सुविधा भी आपको मिलेगी। जितना ये डेंट प्रिपेयर करने का होता है कि आपका जो पेंट लाइफ है वो बढ़ जाए, तो हम उसको लिए अपन सिरेमिक कोटिंग करवाते हैं। इसलिए इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं डिपेंड्स करता है कि आप वो कैसे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका इक्विपमेंट अच्छा है बनाने उसको, वर्कर जो है उसको अप्लाई करने वाला अच्छा है, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बिल्कुल सही है। इसके अलावा सर कुछ एडिशनल सर्विसेज अगर आप बताना चाहते हो जो वर्कशॉप से आप ऑलमोस्ट एडिशनल सर्विस हम चाहते हैं कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हमसे जुड़ें और वर्कर्स की हमें अभी फुलफिल करने की नीड्स रहेगी, जब भी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स रहेगी वी कैन गिव द एड टू RG18 ऑल्सो। सो जितने हमसे मेंबर्स जुड़ेंगे अभी एज ऑफ नाउ द टीम इज़ फुलफिल, बाकी जितने हमसे जुड़ें और हमें सेवा का मौका दें। अच्छा, जो ऑफिस की जो टाइमिंग है जो आपके है वो कब से कब तक रहती है? हमारा टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर के नाइट को 10 बजे तक रहेगा एंड इट विल डिपेंड ऑन द नाइट टाइम ऑल्सो। लाइक अभी 9:30 कोई व्हीकल आता है, इट विल टेक 1 to 2 hours, वी कैन स्टे फॉर द व्हीकल, उसके लिए हम रुकेंगे यहाँ पे एंड जब व्हीकल फ्री होगा देन वी कैन लीव। मतलब कोई भी अगर मान लो किसी की समस्या है तो आप उसको फ्री करके ही जाओगे कि भाई व्हीकल वगैरह, ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है क्योंकि टाइमिंग हो गया हमारा तो हम बंद करके जाते हैं कंपनी वगैरह? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। अगर कोई व्हीकल है इट विल टेक टाइम, वी कैन स्टे ऑल्सो। टोइंग वगैरह की सुविधा भी अवेलेबल है आपके पास में? टोइंग की सुविधा एज ऑफ नाउ हमने नहीं दी है, बट जैसे वॉशिंग स्टेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम कार को पिकअप कर सकते हैं आपके घर से एंड वी कैन ड्रॉप अवर कार ऑल्सो, वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। कितनी दूरी के लिए ये सुविधा अवेलेबल? जस्ट अभी एज ऑफ नाउ ये मंडावा के लिए रहेगी, बस आस पास के गाँव हैं, कुछ विलेजेस हैं उनको हम कवर कर सकते हैं, धीरे धीरे हम एक्सीड करेंगे। जैसे कि आपने ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के पोस्टर लगा रखे हैं और आपने नॉर्मल जो कार्स के नहीं लगा रखे हैं, तो लोग ये सोचेंगे कि भाई इन बड़ी गाड़ियों का ही शोरूम होगा ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एज ऑफ जो लग्जरी कार्स हैं ये PPF जब अपन कहते हैं कि कलर चेंजेस के लिए, हर स्टेट का रूल्स अलग है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास वाइट कार है, मैं उसको ब्लैक रैपिंग करवाता हूँ, तो वी नीड टू चेंज द RC ऑल्सो, बिकॉज जब हमारे पास RC होती है उसमें लिखा हुआ था वाइट कलर कार्स है, अगर आपने ब्लैक करवा दिया तो हमको RTO से परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। सभी स्टेट्स में ये अलाउड भी नहीं है, कुछ एक स्टेट्स उसको अप्रूव नहीं करते, तो ये उसके लिए प्रिपरेशन है। अगर जो हमारे पास कोई आउट ऑफ स्टेट से आता है जहाँ पे अप्रूव्ड है, अगर वो हमसे रैपिंग करवाता है तो वी कैन प्रोवाइड दैट फैसिलिटी ऑल्सो। RC वगैरह जो है ना उसमें करेक्शन वो आप करवा के देते हो या फिर कस्टमर को करवाना पड़ता है? ये हम नहीं करवा के देंगे क्योंकि कस्टमर को खुद जाना पड़ता है। अगर मान लीजिए जैसे दूसरे स्टेट से कोई बंदा है, जैसे मुंबई या महाराष्ट्र से कोई आता हमारे से रैपिंग करवा लेता है, तो हम उसके स्टेट में जाके उसको प्रोवाइड नहीं करा सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो वो कस्टमर को ही करना पड़ेगा। तो सर जैसे डेंटिंग पेंटिंग वगैरह का भी काम आपने स्टार्ट किया या फिर करने की सोच रहे हो? डेंटिंग पेंटिंग का बूथ हमने ऑर्डर किया है, हमारी कंपनी से जो प्रिसीजन है इसी का हमने बूथ लिया है, तो इसका बूथ हम इसके यार्ड के पीछे बनाने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months। हमारे पास जैसे यार्ड आएगा उसके यार्ड में हम बूथ का काम भी होगा, डेंटिंग पेंटिंग का भी काम होगा, डिटेलिंग को जितना हम एक्सीड कर सकते हैं उसको एक्सीड करेंगे। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि मंडावा के अंदर और एक अत्याधुनिक मशीनों से युक्त और सारी सर्विसेज प्रोवाइड ये करवाने वाले हैं, जितने भी जो कार ओनर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है, जिनके पास पुरानी कार है और नई कार वालों के लिए भी स्पेशल इनके पास में ऑफर है कि जो PPF है, सिरेमिक कोटिंग वगैरह होती है जो कि अपनी जो गाड़ी के जो पेंट वगैरह है उसको लॉन्ग लाइफ के लिए रखते हैं, तो ये सुविधा भी आपको मंडावा के अंदर मिलेगी। इसके अलावा पूरे झुंझुनू ज़िले के अंदर ऐसी सर्विसेज कोई प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो अगर आप भी अपने पैसे बचाना चाहते हैं साथ में अगर नई गाड़ी का प्लान करें तो PPF वगैरह ज़रूर करवाइए, क्योंकि उससे गाड़ी की जो लाइफ है वो लॉन्ग रहती है, साथ में गाड़ी एकदम नई जैसी ही लगेगी अगर आप 5-7 साल बाद में अगर PPF को उतरवाते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।